बात बताओ, तुम्हारा हर बार का यही बहाना है। भैया वो जो हमारी जमीन है ना ग्वालियर वाली, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, देखते क्या रिपोर्ट आती है। भाभी का भाई नहीं रहता, पूनम और प्रेम, इन दोनों की खुलने निकालो। कोई खास बात है तो बताओ। ये संजय की हत्या किसने की है? ये संजय की हत्या किसने की है? ये संजय की हत्या जिसने भी की है वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। सर सुनने वाले कि प्रेम और पूनम शादी करने जा रहे हैं जी। अगर प्रेम और पूनम आपस में शादी कर लेंगे या शादी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि वो लोग शादी कर सकते हैं, तो संजय की जो हत्या है उनका शक जो है वो इन दोनों के ऊपर आ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर संजय पूनम और प्रेम पहले से आपस में प्रेम करते थे और इसकी वजह से हत्या हुई? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पूनम जी, संजय की हत्या जहर से हुई है और जाहिर सी बात है कि जहर खाने में ही मिलाया गया होगा। अब आप मुझे सीधी सीधी तरह बताइए कि आपने संजय को क्यों मारा आखिर? सर संजय मेरे पति थे और कोई पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है सर? पूनम जी गुस्सा गुस्सा, हमें सब पता है कि संजय आपको पसंद करते ही नहीं थे और आपकी कभी उनसे बनी ही नहीं, और संजय आपसे तलाक लेना चाहता था। इस बात पर आपको इतना गुस्सा आया कि आपने संजय को जहर देकर मार दिया। सर ये सच है कि संजय मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो जैसे भी थे मेरे पति थे। पूनम जी हमारे पास और भी रास्ते हैं पूछने के, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप सीधी सीधी तरह हमें बता दें कि आखिर आपने संजय को मारा क्यों। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपने पति को नहीं मारा। हाँ लेकिन प्रेम के साथ मिलकर तो मार ही सकते हैं ना। प्रेम मुझे ये बताओ, संजय के साथ तुम्हारे कैसे रिश्ते थे? सर अच्छे रिश्ते थे, सगा भाई था मेरा। लेकिन प्रेम हमें तो पता चला है कि संजय तुम्हें नौकर की तरह ट्रीट करता है, नहीं ऐसा तो नहीं नफरत और पैसों के चक्कर में तुमने अपने भाई की बलि दे दी? सर मतलब क्या आपका, पैसों के लिए मैं अपने भाई की हत्या कर दूंगा? पूनम और प्रेम की कॉल डिटेल क्या हुआ, कुछ निकला? नहीं सर कोई खास बात नहीं है। मुझे लगता सर दोनों में से कोई कातिल है। क्यों यार, कातिल तो कोई है और शातिर भी बहुत है। हम वही देख रहे हैं जो कातिल दिखाना चाहता है। तुम लोग क्या करो, पिछले एक महीने में पूनम की और प्रेम की इन लोगों पे जितने भी कॉल्स आए हैं और इन्होंने किए हैं उन सब पर कॉल करो और पता करो पूनम और प्रेम का क्या रिश्ता है। यस सर। ठीक है सर, पूनम की कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर मिला है जो सिर्फ एक बार किया गया है। किसका नंबर? सर रमन के दोस्त का नंबर है। रमन के दोस्त का नंबर? जी सर। पूनम का भाई रमन? जी। उसके दोस्त का नंबर है वो? जी सर। यार मुझे लगता है कि हम कातिल के काफी करीब हैं। कहीं संजय की मौत में कहीं रमन का तो हाथ नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। तुम लोग एक काम करो, ठीक है, जो भी उसका दोस्त है, रमन का जो दोस्त है, उसके मोबाइल को ट्रेस करो और देखो संजय की मौत से पहले 24 से 48 घंटे पहले कहीं उसके मोबाइल की लोकेशन संजय का घर तो नहीं थी। जी सर। ठीक है, और तुम उस बंदे को उठाओ। यस सर। रमन का जो दोस्त है उठाओ। यस सर। क्या हुआ? सर आप सही कह रहे थे, हत्या से 2 दिन पहले रमन के दोस्त की लोकेशन संजय के घर में ही है। तू ही समीर है? जी मैं हूँ। चल थाने चल, जल्दी थाने। बात क्या हुई है? बेटा साफ साफ बता, आखिर तूने संजय को क्यों मारा? सर मैंने संजय को नहीं मारा, मुझसे तो कुछ दवाइयाँ मंगवाई गई थी जो मैंने लाके दे दी थी, बस मुझे नहीं पता था वो किस चीज की दवाइयाँ थी। ट्रस्ट मी। तो बता किसने मंगवाए थे वो? रमन क्यों मारा तुमने संजय को?
सर मैं तो पहले ही अपाहिज हूँ, मैं कैसे मार सकता हूँ किसी को। तुम्हारे दोस्त समीर को हमने पकड़ लिया और सब कुछ बता दिया उसने। समीर को अंदर लेकर आओ। बेटा साफ साफ बता, आखिर तुमने संजय को क्यों मारा? सर मैंने संजय को नहीं मारा, मुझसे तो कुछ दवाइयाँ मंगवाई गई थी जो मैंने लाके दे दी थी, बस मुझे नहीं पता था वो किस चीज की दवाइयाँ थी। ट्रस्ट मी। तो बता किसने मंगवाए थे वो? रमन ने। अब अच्छा होगा कि बाकी की कहानी अब तुम खुद बताओ। मैंने ही मारा है संजय को। एक्सीडेंट के समय उसे बचाते बचाते मैंने अपनी दोनों टांगे गवा दी हैं। समीर को देखकर रमन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और एक साल बाद डॉक्टर बन जाए, लेकिन एक दिन अपने जीजा संजय को कार एक्सीडेंट में बचाने के चक्कर में अपने दोनों पैरों को खो दिया। संजय कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल गए। सुनो, रमन का ट्रीटमेंट किसी अच्छी जगह करवाओ। हाँ हाँ जानता हूँ, उस रमन की वजह से उस एक्सीडेंट से बचा था, पर इलाज करवा तो रहा हूँ उसका। अब क्या तू चाहती है उसका गुलाम बन जाऊँ? धीरे बोलो, रमन सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुनने दे। और ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे और उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी ना? समझ ले इस बात को। इलाज करा दो उसका। संजय कुछ ही दिनों में सब कुछ भूल गया और रमन का इलाज करवाने के लिए मना कर दिया। रमन ने अपने दोस्त समीर को पूनम के फोन से कॉल कर घर बुलाया। अच्छा हुआ समीर तू आ गया, मैं तुझे कुछ दवाइयों के नाम व्हाट्सअप कर रहा हूँ और मुझे ये दवाइयाँ 2 दिन में चाहिए और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है भाई, मैं तुझे दवाइयों के नाम व्हाट्सअप कर रहा हूँ तेरे नंबर पे। ठीक है। और उससे कुछ दवाइयाँ मंगवाई और एक ऐसा जहर तैयार करवाया कि जो 24 घंटे में अपना काम कर देता है। रमन को पता था कि संजय हर रोज अपना शुगर लेवल कम करने के लिए 9 बजे के आसपास इंजेक्शन लगाया करता। उसने उसकी दवाई में जहर मिला दिया। उसने सोचा था कि संजय 9 बजे के आसपास इंजेक्शन लगाएगा तो अगले दिन घर में ही इसकी मौत हो जाएगी और उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन संजय ने उस दिन दोपहर 12 बजे इंजेक्शन लगाया और बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसके कारण पुलिस केस हो गया और रमन और समीर दोनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की।